हाय गाइस, आई एम ऋषभ कक्कड़ और हम करेंगे इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 2.7 अपना। और 2.7 एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है तो आपको थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, बट एक बार समझ में आ गया तो फटाफट से सॉल्व हो जाएगा। चलिए करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2.7। क्वेश्चन में दिया है हेनरी लॉ कॉन्स्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज दिस। हेनरी लॉ कॉन्स्टेंट मेरे को दिख रहा है। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2। क्वांटिटी ऑफ CO2 निकालनी है, यानी कि CO2 का मास निकालना है। इन 500 ml वॉल्यूम दिया है मुझे वाटर का। इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 atm CO2 प्रेशर। तो मुझे यहां से क्लियरली प्रेशर ऑफ CO2 गिवन है, दैट इज 2.5 atm, और मुझे यहां पे kh का वैल्यू गिवन है 1.67 into 10 की पावर 8 पास्कल। ये मसला है कि यहां पे 10 की पावर 8 पास्कल में दिया हुआ है और ये atm में दिया हुआ है गाइस। तो अब मैं आपको यूनिट कन्वर्जन बता दूं, 1 atm इज इक्वल टू 1013 25 पास्कल होता है, या इसको अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर 5 पास्कल भी आप लोग लिख सकते हो, राइट। आप चाहे इससे मल्टीप्लाई करो, आप चाहे इससे करना, लगभग एक ही बात है। आंसर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आपको नहीं देखने को मिलेगा और कैलकुलेशन आपकी थोड़ी सी ईजी हो जाएगी अगर आप ये टर्म यूज़ करते हो। ऊपर वाली एग्जैक्ट है बट हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू यूज़ करते हैं। अब आपको पता है एक ही फॉर्मूला है हेनरी लॉ कांस्टेंट का, आपने जो पढ़ा है दैट इज दिस मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। यही है आपके पास फॉर्मूला, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू kh इनटू x, और पार्शियल प्रेशर का वैल्यू आपको दिया है 2.5 इनटू 10 की पावर 5, इसको पास्कल में कन्वर्ट करना ही करना है। kh की वैल्यू आपको गिवन है तो kh को मैं डायरेक्ट डिवाइड कर रहा हूँ, दैट इज 1.67 इंटू 10 की पावर 8 पास्कल, और ये आएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 को अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर निकल के आएगा दैट इज 1.5 इंटू 10 की पावर -3। मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है, तो आपके पास ये मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 आ गया। नाउ व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2? दैट इज मोल्स ऑफ CO2 डिवाइड बाय मोल्स ऑफ CO2 प्लस मोल्स ऑफ सोडा वाटर, राइट। तो मोल्स ऑफ CO2 निकालने के लिए आपको गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास करना है। आपको क्या करना है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास मोल्स ऑफ सॉरी करना होता है, ठीक है। बट इस केस के अंदर क्योंकि मुझे मास ही निकालना है CO2 का, तो हम लोग नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास मास नहीं है, बट हम मोल्स निकाल लेते हैं पहले क्योंकि हमारे पास मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है। तो मोल फ्रैक्शन का आंसर कितना है हमारे पास दोस्तों, 1.5 इंटू 10 की पावर -3। अच्छा, क्या मेरे पास मोल्स ऑफ वाटर है? मुझे क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है वाटर का। वाटर का जब भी वॉल्यूम गिवन होता है तो वाटर की जो डेंसिटी होती है, अगर नहीं गिवन होती तो अंडरस्टूड होती है, हमारे पास 1 g/ml होती है, और डेंसिटी का फॉर्मूला होता है दोस्तों मास अपॉन वॉल्यूम। तो आपके पास वॉल्यूम गिवन है 500 ml, ठीक है, और डेंसिटी है 1, तो मास कितना हो गया आपका, मास हो गया आपका 500 g। दोस्तों ये फॉर्मूला लगा के मैंने मास निकाला 500 g, तो आप यहाँ पे वाटर का मोल्स निकाल लें 500 डिवाइड बाय 18 करके, ठीक है। अगर आप निकालेंगे तो बड़ा वैल्यू आएगा, ठीक है, तो ये करीब करीब आएगा 27.78। तो जब भी नीचे मोल्स ऑफ वाटर होते हैं, अक्सर देखा जाता है मोल्स ऑफ वाटर बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे, तो आप मोल्स ऑफ CO2 जो आएंगे, जो वैल्यू आप निकालोगे वो भी देखना कितनी छोटी आएगी, इतनी छोटी आएगी, 0.0 कुछ आएगी। अगर 0.0 कुछ आ रही है, उसको 27.78 में ऐड भी करोगे और डिवाइड करोगे मोल्स ऑफ CO2 से, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप लोगों को। तो आप इन दोनों इस वैल्यू को आप लोग निगलेक्ट मार देना, इस वैल्यू को अगर आप निगलेक्ट मारोगे तो आप, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कितना आसान हो गया। सो द मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 गिवन है 1.5 इंटू 10 की पावर -3। इस टर्म को तो निगलेक्ट मार दिया, इसको तो देखो भी मत, तो आप सीधा मान लो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 किसके बराबर है सर, मोल्स ऑफ CO2 डिवाइड बाय 27.78। तो 27.78 से इसको मल्टीप्लाई कर देना तो आपके पास आ जाएगा मोल्स ऑफ CO2। नाउ व्हाट इज मोल्स ऑफ CO2? गिवन मास ऑफ CO2 अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 इज 44, तो डिवाइड बाय 44 करोगे और 27.78 इंटू 1.5 इंटू 10 की पावर -3, ये 44 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा और आपका आंसर आ जाएगा गिवन मास ऑफ CO2 विच इज इक्वल टू 1.845 g। तो इसका आंसर आएगा 1.845 g, विच इज योर राइट आंसर। तो आपको करना ही है, सबसे पहले आप लोग मोल फ्रैक्शन निकालोगे,
फिर कुछ पार्ट निगलेक्ट मारोगे, फिर आप मोल्स ऑफ सी ओ टू निकालोगे, मोल्स ऑफ सी ओ टू से आप लोग मॉलिक्यूलर मास सी ओ टू का जानते हैं, ऊपर भेज दोगे और गिवन मास आ जाएगा, यही आपको निकालना था। क्वेश्चन अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर देना और लाइक भी ज़रूर कर देना। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।